नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ साइलेंस। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पावर किसी चीज में है तो वह है साइलेंस में, मौन में। अगर आप पावर ऑफ साइलेंस को समझ लेंगे तो बहुत सारी शक्ति को इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, हमारी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा व्यय होती है ना, वो पता है किसमें होती है? बोलने में, सोचने में। यानी कि जहां जहां से मौन हटता है वहां वहां से ऊर्जा का ह्रास होता है। अब देखो, हम काम के लिए जाते हैं ना, जॉब के लिए जाते हैं, या कहीं हम वैसे घूमने चले गए 8-10 घंटे के लिए और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हमने अपनी जॉब में, हमने कहीं घूमने में, हमने किसी का बैठने में कौन सी मेहनत करी, कौन से पत्थर तोड़े हमने, कौन से बोझे उठाए हमने, लेकिन बोलते थक बहुत गए, बहुत ज़्यादा थक गए। तो हमने ऑफिस में क्या काम किया? कुछ कंप्यूटर पर, कुछ लैपटॉप पर, कुछ फाइलों में वर्क करते रहे, लंच किया, चाय पी दो बार और घर चले आए 7-8 घंटे के बाद, या फिर कहीं घूमने गए तो गाड़ियों में बैठ कर गए, कुछ मनपसंद चीज़ें खाई पी, दोस्तों के साथ गप्पें लगाई और चले आए वापस। और बोलते बहुत ज़्यादा थक गए। तो किससे थक गए? विचारों से थक गए, बोल बोल कर थक गए। जहाँ जहाँ से मौन हटा ना, वहाँ वहाँ से ऊर्जा घटी। देखो, नींद में क्या होता है, हम क्यों रिचार्ज होते हैं पता है? हम साइलेंस में चले जाते हैं। एक तो बोलना बंद हो जाता है नींद में, आंखों के जरिए जो ऊर्जा बह रही थी वो बंद हो जाती है, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है नींद में, ऐसी स्टेज आती है थोड़ी सी देर के लिए जब एक भी विचार नहीं रहता मन में, निर्विचार। जैसे हम निर्विचार होते हैं वैसे हम चार्ज हो जाते हैं। निर्विचार चेतना में स्थापित होते ही हम चार्ज हो जाते हैं। तो हमें इस मौन को समझना पड़ेगा, हम इस मौन को सीखना पड़ेगा, हम इस मौन को जीना पड़ेगा। इससे आप हमेशा रिचार्ज रहोगे, हमेशा फ्रेश रहोगे, हमेशा आनंद में रहोगे। मेरी ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर परमात्मा कहीं होगा ना तो वो परम मौन होगा, गहन मौन में होगा, और है ही। आप इसे अनुभव कर सकते हो। इस परम मौन के सामने सभी संगीत व्यर्थ। उस मौन का आनंद है ही इतना ज्यादा। तो आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि मैं मौन में हूं या फिर मैं शोर में हूं। इसको चेक कैसे करोगे? बस कुछ नहीं करना, आंखें खोलना है या बंद रखना, बस देखना है व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड। माइंड में क्या चल रहा है, थॉट, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स। तो क्या बोलना है? आई एम इन नॉइस, मैं शोर में हूं। जैसे ये कहोगे ना मैं शोर में हूं, तुरंत साइलेंस प्रकट। मन को किसी भी फॉर्म में जैसे देखोगे ना, तुरंत गहन मौन में चले जाओगे, साइलेंस। आपको कोई भी समस्या सुलझानी हो ना जीवन की, साइलेंस में चले जाओ। कोई भी आपसे झगड़ा कर रहा है, आप साइलेंस में चले जाओ। किसी भी मुसीबत का हल नहीं मिल रहा, साइलेंस में चले जाओ। जो बहुत बीमार हो जाते हैं, अस्पतालों में भर्ते हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, उसमें नींद की भी दवाइयां देते हैं। आप साइलेंस में जाकर अस्पताल में बड़े बड़े बेड लगे हुए रहते हैं, उस पर पड़े रहो, सोते रहो। वो साइलेंस से क्या होता है, हीलिंग होती है, रिलैक्सेशन मिलता है। साइलेंस को ही तो हम खोज रहे हैं। हम ढेर सारे पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम चैन से सो सके, बिस्तर पर सुकून से जी सके। सुकून, सुकून यानी कब सुकून हमें मिलता है, अमन कब मिलता है? वेयर देयर इज नो माइंड, वेयर देयर इज साइलेंस, तभी तो रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आपको बहुत बड़ा बेड बना दें हम, बहुत अच्छा गद्दा दे दें, बहुत अच्छा एयर कंडीशनर लगा दें, बहुत अच्छी दीवारों में पेंटिंग्स लगा दें और बड़ा शोर मचा रहा है, बड़े उधम हो रहा है घर में, तो बोलो रिलैक्स नहीं मिल रहा। सब बंद करो, लाइट्स बंद करो, म्यूजिक बंद करो, शोर बंद करो, मुझे साइलेंस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। दरअसल हम सारी जिंदगी जाने अनजाने में इस मौन को ही खोज रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आता व्हाट वी आर सर्चिंग, वी आर सर्चिंग द साइलेंस। अगर आप इसे समझ लोगे ना कि हम मौन को खोज रहे हैं, तो ये मौन आपके जीवन में घटने लगेगा। लेकिन अफसोस कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम ढेर सारा पैसा इसीलिए कमाना चाहते हैं ताकि हम उस साइलेंस को जी सकें, उस रिलैक्सेशन को जी सकें, उस प्लेजर को जी सकें, उस आनंद में उतर सकें, और कोई वजह नहीं। तो ये आनंद बिना ये सब किए भी पाया जा सकता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप रिच मत बनो, आप कामयाब मत बनो, आप हेल्दी मत बनो, आप बहुत बड़े घर मत खरीदो, आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़े मत करो, वो सब कुछ करो, लेकिन ये जो मौन है, जो साइलेंस है, वो ये सब करने से ही नहीं मिलता, वो डूइंग से नहीं मिलता, वो समझ से मिलता, अंडरस्टैंडिंग से मिलता है।
एक गहन समझ से आप गहन मौन में उतरना शुरू हो जाते हो, तो अपने माइंड को चेक करते रहना, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम इन नॉइस, मैं शोर में हूँ, आई हैव टू बी इन साइलेंस। बस इतना कहते, इतना अनुभव करते, इतना देखते ही आप गहन मौन में उतरने लगते हो और आप वाचर बन जाते हो, आप दृष्टा बन जाते हो, साक्षी भाव अपने आप घटने लगता है। ये सब बड़ा आसान है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और करने जैसी भी कोई चीज़ नहीं, समझ लेंगे तो अपने आप घटने लगेगा। मेरे वीडियोस जरूर आपकी हेल्प करते होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।